नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। उसके बारे में और बचाव एवं सावधानी के बारे में, अभी जो अग्निशामक यंत्र है उसको किस तरह से आप ऑपरेट करते हो, आप जब भी आग लगती है तो प्राथमिक आग जब भी लगती है उसको बढ़ने से बचाने के लिए हम अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको किस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं, कैसे प्रचालन विधि करते हैं, उसके बारे में अभी हमारी टीम के द्वारा आप लोग को ऑपरेट करके बताया जाएगा। और आप स्वयं जब आग लगती है, सब जब शुरुआती आग लगती है, तो उस स्थिति में आप जहाँ भी जो भी बिल्डिंग है, जैसे पेट्रोल पंप है, जैसे कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या बाइक में अगर आग लग जाती है, मकान में आग लग जाती है, तो उस स्थिति में आप अग्निशामक यंत्र का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ऑपरेट करके बताएंगे। या एक आप कोई भी आप इसको कैसे किस तरीके से ऑपरेट करना है, आप एक आगे देख लीजिए, ऑपरेट करके देख लीजिए। जब भी आग लगती है तो उसको हम छोटे स्तर पे हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तभी आग जो है बढ़ेगा नहीं, और वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलेगा नहीं, जिससे हम जीवन और संपत्ति हम दोनों को हम बचा सकते हैं। जब भी इसके बाद आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को आग जो घटना स्थल रहता है वहां पर पहुंचने के लिए वक्त लगता है, तो उस स्थिति में भी आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको देख लीजिए। और साथ ही साथ इसके अलावा जैसे भी गैस सिलेंडर में भी आग लगता है, तो उस स्थिति में हम कंबल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंबल या जो कॉटन कपड़ा रहता है उसको गीला करके हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, दो बाल्टी पानी डाल, एक सिलेंडर है, इसमें ड्राई केमिकल पाउडर रहता है, और इसको ABC जैसे 3 क्लास जो रहता है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 मीटर की दूरी से इसको इस्तेमाल करना है, कम से कम 6 फीट की दूरी से इसको ऑपरेट करना है। इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो, इस तरीके आग को बुझा सकते हो। और लगाइए इसको पेट्रोल, शर्म आ जाऊंगा। ये आने पर अपने रिश्तेदारों बच्चों को वीडियो कॉल कर तस्दीक करें, जल्दबाजी में कोई अमाउंट पैसा ट्रांसफर न करें, कोई भी साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर जानकारी दें या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। राजनांदगांव पुलिस, आपकी पुलिस, आपका विश्वास। फर्जी APK, कोई भी साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर जानकारी देवे या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। राजनांदगांव पुलिस, आपकी पुलिस, हमसे सावधान रहे। कभी भी चैट या लिंक के जरिए APK फाइल डाउनलोड ना करें, गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें, सुरक्षित रहें। कोई भी gov.in पर शिकायत करें। राजनांदगांव पुलिस, आपकी पुलिस, आपकी पुलिस, आपका विश्वास। अजनबियों के वीडियो कॉल का जवाब ना दें, सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप के झांसे में आने से बचें, कोई भी साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर जानकारी देवें या https://cybercrime.gov.in। पुलिस, आपका विश्वास। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग तस्करी जैसी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।